पंजाब के लुधियाना जिले में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात अंजाम दी गई। जमालपुर एरिया में सिरफिरे आशिक ने महिला के दो बच्चों को गला रेत कर हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदे पर झूल गया। वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक पर हमला होने से दूसरा बच्चा चिल्लाया। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में रविवार को पीएम मोदी की एंट्री हो रही है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल रविवार को पीएम की रैली है। वहीं फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बंगाल के बीजेपी प्रभारी से जब मिथुन चक्रवर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात हो गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक ही दिन में कई झटके लगे हैं। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता के करीबी रहे दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट में पारी और 25 रन से शिकस्त दी है। चौथा टेस्ट शनिवार को तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। इसी के साथ इंडिया ने चार टेस्ट की सीरीज 3-1 से जीत ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन एवं कार्यशाला का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के प्रेक्षागृह में इस अवसर पर उन्होंने रामायण और महाभारत की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबलपुर में आयोजित राज्य न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर रिट्रीट के उद्घाटन अवसर पर उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को अपने फैसले को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने की सलाह दी है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि भाषाई सीमाओं के चलते वादी प्रतिवादियों को न्यायिक निर्णय समझने में कठिनाई होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल कर लिया। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। 342 सदस्यों वाले सदन में सरकार के पक्ष में 178 वोट पड़े। किसान आंदोलन का आज 101वां दिन था। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान शनिवार को हरियाणा में केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे 11 से 4 बजे तक जाम रखा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के वाहनों को नहीं रोका गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह जाम लगाया गया था। एक्सप्रेसवे पर बैठे किसान ढोल मंजीरा लिए गाते बजाते रहे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने शनिवार को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2021-22 के एकेडमिक ईयर में दिल्ली के 20-25 स्कूलों में इसमें शामिल किया जाएगा। भारत में पिछले 5 दिनों में वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 5 मार्च को 14,94,000 डोज दिए गए। इससे पहले 1 मार्च को 5,52,000 डोज दिए गए थे, जो 4 मार्च को बढ़कर 13,88,000 डोज हो गए थे।